हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना, दैट इज क्लाइमेट। ठीक है, दिस इज द इंडियन ज्योग्राफी बुक आपका जो है, उसमें हम क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लाइमेट का मीनिंग होता है, जैसे हम जनरली बोलते हैं इंडिया में, मॉनसून। तो मॉनसून इज गोइंग टू बी अराइव इन कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, हम ये कहते हैं मॉनसून कहाँ से आता है, भाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून भारत में आता है। ठीक है, ये हमारी क्लासेस में पढ़कर आए। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन भी जानते हैं, व्हाट इज द मॉनसून। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड, ठीक है, नॉट इन हिंदी लैंग्वेज हम इसे मॉनसून नहीं कहते हैं, इट इज एन अरेबिक वर्ड। ठीक है, अरेबिक वर्ड है मॉनसून, जिसका मतलब होता है इट इज एसोसिएटेड विद द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ठीक है, विंड्स के रिवर्स यानी अपोज, उल्टे रिवर्स यानी कि फ्रॉम सी टू लैंड एंड फ्रॉम लैंड टू सी, जो विंड्स है डायरेक्शन है वो बदलता है, दिस इज ऑल अबाउट द मॉनसून। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। नाउ इंडिया हैज हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, तो यानी कि बच्चों, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट मॉनसूनल क्यों है, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है, ये जो पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले मॉनसून अराइव होता है, और ये पूरा का पूरा एरिया आप लोगों का वाटर बॉडी से कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वाटर बॉडी से कनेक्ट होने की वजह से क्या है, दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ वाटर। जो हवाएं चलेंगी ड्यूरिंग समर पीरियड, दे मूव फ्रॉम साउथ टू द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इन दैट दे कैरी लॉट्स ऑफ वाटर अलोंग विद देम, व्हिच आर रिस्पांसिबल टू पोर द वाटर ऑन द पेनिनसुला पार्ट एंड द अदर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड इज, सो हमें ध्यान रखना है, इंडिया का मॉनसूनल टाइप हॉट मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण हॉटनेस हमें फील होती है। Now, unity and diversity in the monsoonal climate. Unity and diversity in the monsoonal climate, ये जो टॉपिक हमारा है, ये हमारा अर्ली क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्यों? हम देखो, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में जो है मलयालम बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, जैसे बिहार में बिहारी बोली जाती है, यूपी में हिंदी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इन सब में ना सिर्फ भाषाओं का डिफरेंस है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर खाने का भी डिफरेंस है, इनके कल्चर भी डिफरेंट है। दो ऑल्सो दे ऑल आर इक्वली वेटिंग फॉर व्हाट, द मॉनसून, द रेन, कब आएगी बारिश। ठीक है, तो वो सब क्यों वेट करते हैं? अगर हम ये कहेंगे ना सभी किसान ही सभी जगहों पर जो है वेट करेंगे, नहीं, कॉमन पीपल ऑल्सो वॉन्ट द रेन, हमें परफेक्ट रेन चाहिए ताकि हमारी और एक्टिविटीज भी तो काम में होंगी। देखो, अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें कि अर्बन पीपल को कोई मतलब नहीं है कि बारिश हो या नहीं, क्योंकि उन्हें खेती करने नहीं जाना, तो सिर्फ खेती के लिए पानी जरूरत नहीं होती। अलॉन्ग विद दिस वी नो दैट वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर फॉर द इंडस्ट्रीज, चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी तो आप लोग कैसे मिलेंगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज के साथ साथ आप लोगों के डोमेस्टिक यूजेस में चाहिए, आप लोगों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑफिस, इन सब के रेगुलर वाटर सप्लाई चाहिए। तो ईच एंड एवरी पार्ट इज एसोसिएटेड विद द मॉनसून हियर, इसीलिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम सभी। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर आपको कहूँ ना, तो हम सिर्फ इंडिया के प्रोस्पेक्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अलॉन्ग विद इंडिया द साउथ एशियन कंट्रीज, द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, दे ऑल आर वेटिंग फॉर द सेम, यानी कि ये सभी के पास में जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वो हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए अगर हम इसे इक्वेटर माने, तो इक्वेटर से ये 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे, दुनिया में जितने भी देश यहाँ पर आएंगे उन सभी में जो क्लाइमेट होगा वो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, यानी 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में जो भी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा इट विल बी कॉल्ड एज द मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, सो सिर्फ इंडिया में ही और देश भी सभी वेट करते हैं, तो हम सभी क्या है, हम सभी अलग हैं एक दूसरे से, दो ऑल्सो वी आर यूनिफाइड बिकॉज ऑफ द मॉनसून। ठीक है, नाउ क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु डिफर फ्रॉम बिहार एंड यूपी। अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो बेटा क्लाइमेट जो बनता है वो इम्पोर्टेंटली हम दो चीज़ों को देखते हैं, वी ऑलवेज रिमाइंड द टू थिंग्स, दैट इज द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल।
बट दे आर डिफर फ्रॉम बिहार एंड यूपी, है ना, वो डिफरेंट है, दो ऑल्सो दे आर यूनिफाइड बिकॉज ऑफ द मॉनसून, ठीक है. सेकेंड थिंग दैट इज समर एंड विंटर टेम्परेचर डिफरेंसेस. समर एंड विंटर टेम्परेचर डिफरेंसेस किस तरीके से आप देखिए बच्चों, अगर हम समर में बात करें तो हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में 50 डिग्री से टेम्परेचर कम नहीं होता, ठीक है. तो 50 डिग्री टेम्परेचर और मोर देन 50 डिग्री टेम्परेचर कैन बी सीन इन द राजस्थान एरिया. लेकिन उसी टाइम में लद्दाख, लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है माइनस में भी पहुंच जाता है. लेह में टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है एट दैट टाइम. वन कंट्री एक ही है लेकिन हाउ वी आर डिफर एंड हाउ वी आर कनेक्टेड, हम डिफरेंट हैं, दो आर वी आर कनेक्टिंग विद द मॉनसून. इज इट क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज जैसे दूसरे अगर हम बात करें कि सर्दियों में जहाँ हम ये देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आपका जो टेम्परेचर है वो सडनली बढ़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है. हम देखते हैं दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, 4-5 डिग्री तक पहुँच जाता है. लेकिन वहीं साउथ इंडिया में टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते समर और विंटर के, लेकिन फिर भी दिल्ली भी बारिश आता है और साउथ इंडिया भी बारिश आता है. इज दैट क्लियर टू यू. तो ऑल आर ईगली वेटिंग फॉर द मॉनसून, ठीक है. नेक्स्ट इज वी कैन सी द प्रेसिपिटेशन फॉल्स, ठीक है. ये टेम्परेचर वेरिएशन तो बेटा हम देखते ही देखते हैं, हम प्रेसिपिटेशन डिफरेंसेस भी देखते हैं. हम ये देखते हैं कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया के, दे आर गेटिंग अ रेनफॉल, दे आर गेटिंग अ प्लेंटी रेनफॉल हियर, ठीक है. फिर ये जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड्स इस दिशा में जाता है, ठीक है. और यहाँ से अंडमान निकोबार आइलैंड जो है आप लोगों का, ये अरेबियन सी है ना, ये हम लोगों ने बे ऑफ बंगाल लिखना था, ये अंडमान निकोबार तो आपका आइलैंड हो गया, ठीक है. इसको हम बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल, जिसमें आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पर आप लोगों के लक्षद्वीप दोनों आते हैं. लेकिन दिक्कत ये है कि इनका टेम्परेचर, इनका क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं इनसे डिफर भी होता है और इनके जैसे भी होता है, ठीक है. अब मैं आपको बता रही हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, जो मॉनसूनल विंड्स हैं उनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं वो इस तरह से चलती हैं, ठीक है. तो वी कैन सी द वेरिएशन, वी कैन सी द वेरिएशन इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो हमारा है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर डिफरेंसेस हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं कि दीज एरियाज आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ वाटर, 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल मिलती है. वही हम देखते हैं कि राजस्थान जैसे एरिया में, जैसलमेर जैसे एरिया में वी आर गेटिंग द वाटर ओनली द 10 सेंटीमीटर, ठीक है. 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, कितना ह्यूज डिफरेंस हमें दिखाई देता है, ठीक है. जहाँ आपके पेनिनसुलर रीजन्स में यहाँ पर बारिश बहुत होती है, वहाँ हिमालयन रीजन्स में सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल होती है. फॉर्म्स भी अलग है, क्वांटिटी भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हिमालयंस